डेट की हमारी तीसरी पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे आपके साथ डेट के कुछ और फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे आपके साथ एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ ईयर के बारे में, फॉर्म फॉर्म टैक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कस्टम में आते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑफ वीक के बारे में, और यहाँ पे डेट, एंड ऑफ मंथ है, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ वीक। एंड ऑफ वीक में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेट, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके ओके करते हैं। यहाँ देखेंगे इस वीक का जो लास्ट है वो आ जाओ। ये मंडे टू संडे चलता है, ऐसे नहीं कि 7 दिन लेके चलता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। जाता है एंड ऑफ ईयर, तो ई यहाँ पे डेट, एंड ऑफ मंथ के बाद एंड ऑफ ईयर, ब्रैकेट ओपन, और हम फिर डेट को सिलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आपको एंड ऑफ ईयर भी आ गया, 2023 आ गया ना। बट यहाँ पे जो देखिएगा कि ये आपको 31 दिसंबर का नहीं दे रहा है, यहाँ पे एक एक को दे रहा है सर। तो 31 दिसंबर नहीं देगा। अगर आपको 31 दिसंबर चाहिए तो जस्ट आप इसे -1 कर दीजिए पूरे डेट में, यहाँ पे लास्ट -1, तो -1 होकर आपके सामने आ गया। या अगले कॉलम में कर दीजिए, फॉर्मूला लगाते से मैनेज करना पड़ेगा आपको। अब इसमें एंड ऑफ ईयर के बाद हम बात करते हैं डेट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिएगा डीएफ है, डेट फॉर्म है, ये टेक्स्ट फॉर्म भी था, डेट फॉर्म भी है, ऐसे जैसे कि फॉर्मेट फॉर्मूला होता है उसी तरह से यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे मैंने डेट ले लिया, और डेट लेने के बाद यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो रिजल्ट में आप यहाँ पे देखिए डेट फॉर्म यहाँ पे आपके सामने आया, लेकिन इस तरह से आया है डेट फॉर्म, मतलब कि डेट के फॉर्म में आपको रिजल्ट दे देगा क्या कि डेट क्या है। अगर टेक्स्ट हुआ उसको डेट में कन्वर्ट करके आपको डेट दे देगा, मतलब किसी भी फॉर्मेट में डेट डालेंगे तो उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए नंबर कहाँ पर डालें, जहाँ पर डाल दिए 83910, 43910, तो उसको फिर वो डेट में कन्वर्ट करके 2020 का डेट कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो डेट डेट के अकॉर्डिंग हम बात, उसके बाद आता है आपका डेट फ्रॉम टेक्स्ट। मान लीजिए इस डेट को हम यहाँ डेट फॉर्मेट में है, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं, मतलब ABC। अब ये डेट नहीं रहा, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह जो है वो अब इम्प्लीमेंट नहीं है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे कन्वर्ट डेट के नाम से हमें लगाते हैं, और यहाँ पे डेट फॉर्म, डेट फॉर्म में हम अपना डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही यहाँ आया, ये गड़बड़ हो गई क्योंकि ये आपका डेट का फॉर्मेट था 00 लगा हुआ था इस कारण से। एक बार मैं इसको वापस डेट में कन्वर्ट कर दूं, देखिए एरर आ गया, मुझे इसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करना है, तब आए। इसको मैं अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे हम चेंज करेंगे होम में जाकर, क्योंकि इसमें 00 लगा।
जब हमने हमने उठाया था डिस्कस करते हैं जी, हम सिर्फ डेट कर दिए तो डेट बन गया। अब इसमें मैं इसको करता हूं टेक्स्ट, पर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते समय ये आपका इस तरह का हो गया। अब इस पे हम लगाते हैं फॉर्मूला एड कॉलम में, क्योंकि डेट आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट डेट के नाम से, और यहाँ पे हम देते हैं डेट फ्रॉम टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और हमने डेट को सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट क्लोज करके ओके किया। अब देखिए कि टेक्स्ट वाले डेट को इसने नॉर्मल डेट में कन्वर्ट कर। अब इसमें एक चीज और चेक करना है कि कौन कौन से डेट करेंट डेट कहाँ पर, इस आपको करेंट डेट करेंट मंथ ये जो चेक करना है वो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं डेट, डेट इज करेंट डे, डेट इज करेंट डे, और ब्रैकेट में हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेट। तो इसका रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स में आता है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू कहाँ होगा, जहां पे आज का डेट होगा। जैसे आज आपका 29 अगस्त है, यहाँ ट्रू है, तो चेक करने के लिए है। इसी तरह से करेंट मंथ आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे करेंट मंथ भी चेक कर सकते हैं। करेंट मंथ के लिए आपको यहाँ पे डेट, और डेट में यहाँ पे करेंट मंथ मंथ लगाया, डेट को सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ करेंट मंथ है वहाँ ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सेम उसी तरह से करेंट मंथ के बाद आता है करेंट क्वार्टर, यहाँ पे क्वार्टर चेक करना, CQ के नाम से हमने किया डे, यहाँ पे डेट, और यहाँ पे डेट, इसमें हमें करेंट क्वार्टर दिया, और करेंट क्वार्टर में हमने चेक किया अपना डेट एंड ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो करेंट क्वार्टर है वो ट्रू आएगा, और जो करेंट क्वार्टर नहीं है वो फॉल्स है। करेंट क्वार्टर के बाद हम बात करते हैं करेंट ईयर की, क्या है करेंट ईयर है ये चेक करना है। यहाँ पे सी और वाई लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं फॉर्मूला डेट, डेट में हम लेते हैं करेंट ईयर, करेंट ईयर में आप डेट को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको करेंट ईयर का दिख जाएगा। करेंट ईयर के बाद आता है करेंट, इसके बाद आता है नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन को ट्रू करना, अगले मंथ को, अगले क्वार्टर को, अगले ईयर को। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे, तो यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला डेट डॉट इज नेक्स्ट डे, और ये आपका हमने डेट सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करते ही आपका ये भी रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आएगा, और सॉरी यहाँ डेट लगा दिया, सेलेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है फिर। तो यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स में आएगा, फॉल्स ट्रू कौन आएगा, देखिए 29 अगस्त जो होगा वो आपका उसके बाद नेक्स्ट डे के बाद आता है आपका नेक्स्ट मंथ, आप यहाँ नेक्स्ट मंथ का लगा सकते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे हमने डेट को सॉरी
डेट डॉट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ लिया, अब इसमें हमने डेट को सेलेक्ट कर लिया एंड ओके किया, तो आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट मंथ है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू 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 आ रहा क्योंकि सितंबर की डेट है। उसी तरह से मुझे नेक्स्ट मंथ के बाद नेक्स्ट क्वार्टर एंड नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक ये सब चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे सेम नेक्स्ट क्वार्टर और डेट डॉट इज नेक्स्ट क्वार्टर यहाँ पे लिया। अब नेक्स्ट क्वार्टर तो डेट में है नहीं तो पूरा फॉल्स फॉल्स आएगा, अगर होता तो ट्रू आता। आपका है नहीं इसलिए रिजल्ट आ रहा है ऐसा, इसमें एक नेक्स्ट एन क्वार्टर आ रहा है इसमें, इस नेक्स्ट क्वार्टर में हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कॉमा वन कर देता हूँ, जी तो ये अगली क्वार्टर है या दूसरी क्वार्टर है, क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर है, इसका आपको देना पड़ता है रिजल्ट, ये टू फॉल्स में आपको रिटर्न देता है। फिर इसी तरह से अगला जो फॉर्मूला है उस पर चलते हैं, ऐसी आता है नेक्स्ट इन वीक नेक्स्ट इन ईयर यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट वीक और यहाँ पे हम देते हैं फॉर्मूला डेट डॉट और हमारा नेक्स्ट एन वीक और ये डेट लगा रह गया, इसको डिलीट कर दीजिए, बराबर लगा रह जाता है वीक और यहाँ पे हमने अपना डेट को सेलेक्ट किया और वीक नंबर हम मान लीजिए तीन देते हैं, तो जहाँ जहाँ तीसरा वीक होगा वहाँ वहाँ रिजल्ट ट्रू नहीं तो फॉल्स, रिजल्ट ट्रू नहीं तो फॉल्स है सामने, देखिए ट्रू आया नहीं तो फॉल्स है। उसी तरीके से इसमें आपका नेक्स्ट ईयर आता है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर भी इसी तरह से लगा सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम इसे आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे।